बीजेपी नेता और हिमाचल की मंडी से सांसद कंगना रनौत राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर हमलावर हैं। मंडी जिले के गोहर पहुंची कंगना के सख्त तेवर फिर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां आर्थिक आपत्ति आई है, क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। चुनाव के समय में ऊपर से पैसे के लिए ऑर्डर आता था और ये पैसा सोनिया राहत कोष में जाता था। कंगना ने राहुल और प्रियंका को भी आड़े हाथों लिया है। कंगना ने बिना नाम लिए राहुल प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चे पाल रखे हैं, जबकि उनका बचपन तो 15 साल की उम्र में ही छीन लिया गया था। छोटी सी उम्र से वो काम कर रही हैं और अपना करियर खुद बनाकर रोजी रोटी कमा रही हैं। कंगना ने कहा कि जब हमारी कॉलेज जाने की उम्र थी और उनकी उम्र की लड़कियां जब लव लेटर लिखा करती थी तब वो तो स्क्रिप्ट लिखने लगी थी। कंगना ने राहुल प्रियंका पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि बच्चे तो ये लोग हैं, इनका बचपना 50-50 साल तक चल रहा है, जबकि उनका बचपन तो 15 साल में भी नहीं था। मंडी जिले के गोहर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने कहा कि लोग जानते हैं कि टुकड़े गैंग के खिलाफ मैं अकेली खड़ी हूं। ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके देश का लाभ सोचती है। लोग ये जानते हैं कि इस पर जान का खतरा है और ये लड़की देश के लिए, देश की बेटियों के लिए बोलती है। विपक्ष वाले जो मर्जी मुझे कहे, लेकिन मुझ पर कोई बात आती है तो सारा देश मेरे साथ खड़ा होता है। चाहे शिवसेना ने मेरा घर तोड़ा हो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कुछ भी बोले। बता दें कि कंगना संसद में शपथ लेने के बाद पहली बार नाचन विधानसभा क्षेत्र पहुंची। उन्होंने कहा कि गलत खबरें दिखाकर किसानों से मेरे संबंध खराब किए गए। किसानों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार से अपने तीनों बिल जो रद्द किए गए हैं फिर से बहाल करने की मांग किसान करे, ताकि वो लागू हो सके और देश का कुछ भला हो सके। आपको बता दें कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बयान दिया है जिससे तुरंत ही पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे हरियाणा चुनाव में हथियार के रूप में लपक लिया है। दरअसल मंडी से कंगना ने उन तीन कृषि कानूनों को वापस लाने की पैरवी की है जिसे केंद्र ने किसानों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। कंगना का ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर है। आनन फानन में बीजेपी की तरफ से बयान भी जारी किया गया है।